अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार ऐसे रीजंस जिसकी वजह से हम क्लाउड फ्लेयर का यूज़ करते हैं और दो ऐसे रीजंस जो ऑप्शनल हैं और उन्हें हमें ज़रूरत इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। तो जो दो रीजंस हैं वो हैं CDN कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क और DDoS प्रोटेक्शन। ये जो इम्पोर्टेंट रीजंस हैं और बाकी जो ऑप्शनल रीजंस हैं वो SSL और मिनिफिकेशन। तो हमारी वेबसाइट पे SSL ऑलरेडी एक्टिवेटेड है लेट्स इनक्रिप्ट की तरफ से और मिनिफिकेशन भी के लिए हम प्लगइन्स करेंगे। तो इस वजह से इसके ये भी फ़ायदे हैं कि ये आपकी होस्टिंग की सर्वर की IP वगैरह को हाइड रखता है, मतलब उसे प्रोटेक्ट करता है, DDoS प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और आपकी वेबसाइट जो विजिटर हो उसके मुल्क के हिसाब से, वो जहाँ पे इन्होंने हर मुल्क में अपने लोकल सर्वर्स रखे होते हैं जिनसे ये लोड करते हैं, और वेबसाइट की स्पीड काफ़ी ज़्यादा फास्ट हो जाती है, तो इस वजह से हम यूज़ करते हैं। तो साइट ग्राउंड में इधर इन्होंने ऑप्शन दिया है क्लाउड फ्लेयर CDN का, इनका बड़ा आसान सा तरीका है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से सेटअप के ऊपर क्लिक करेंगे, कनेक्ट विद एग्जिस्टिंग। अगर आपका पहले अकाउंट नहीं है तो फिर आप यहाँ से ईमेल पासवर्ड लिख के क्रिएट करेंगे। मेरा ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं उसके साथ कनेक्ट कर लूँगा। तो आपने एक्टिवेट फ्री के ऊपर क्लिक करना है। तो उसके बाद ये थोड़ा टाइम लगाएगा और ये आपका अनेबल हो गया। अच्छा जी, ये ऑप्शनल चीज़ें हैं मिनिफिकेशन वगैरह। बेहतर तो यही है कि आप दूसरा यूज़ करें, जो वर्डप्रेस के प्लगइन होते हैं वो ज़्यादा बेहतर रहते हैं। अच्छा, एक और चीज़ भी इनकी काफ़ी अच्छी है, वो है ऑलवेज़ ऑनलाइन। तो हमारी वेबसाइट अगर ऑफलाइन भी चली जाए तो उसे ये ऑनलाइन रखते हैं, मतलब उसका जो केच वगैरह है उसके ज़रिए। और ये कोई ईमेल वगैरह की भी इन्होंने सिक्योरिटी रखी हुई है। अच्छा, इस चीज़ को आपने इग्नोर करना है। ये मेरे ख्याल से आपकी वेबसाइट पे WW नहीं है, इस वजह से ये इस तरह हो रहा है। तो रिफ्रेश किया है तो अब ये ठीक हो गया। अब हम इसे चेक करेंगे कि कोई इशू ना आ रहा है। तो सारा कुछ परफेक्ट वर्क कर रहा है। इसे कंफर्म करने के लिए हम जाएंगे hostingchecker.com पे और यहाँ से भी इसे कंफर्म कर सकते हैं। और अभी तक अपडेट नहीं हुआ, 10-15 मिनट लग जाएंगे अपडेट होने में। तो ये साइट ग्राउंड वालों ने भी अपने सर्वर गूगल के ऊपर होस्ट कर लिए हैं, बड़ी कमाल की होगी। आप तो उम्मीद है कि आपको इस सारे सिस्टम की समझ आ गई होगी कि इसको किस तरह सेटअप करना है। अगर आपकी कोई और होस्टिंग है तो उसका सारा प्रोसीजर और होगा, उम्मीद है कि वो आप फिगर कर लेंगे। अब मैं हर होस्टिंग को तो नहीं कवर कर सकता, लेकिन जो मेरे पास है उस पर मैंने पूरी कोशिश की है।